एवरी वन दिज मिस्टर के सो इधर मैं अपने इग्नो वाले फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करने के लिए कुछ टॉपिक लिखा है वेल आई एम प्रिपेयरिंग एम एस वन राइट नो मैनेजमेंट फंक्शन एंड बिहेवियर्स और इसमें ये सिलेबस है उन लोग का फाइव यूनिट्स है और उसके सब पार्ट्स हैं सो अभी जो मैंने टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ प्रोफेशनल मैनेजर सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ प्रोफेशनल मैनेजर हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं अभी चालू करते हैं आप लोग डायरेक्टली अगर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फटाफट किसी चीज़ को रिवाइज़ करने के लिए आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो और इसमें आप स्पीड बढ़ाने बढ़ा लेना वन पॉइंट सेवन फाइव एक्स करके सो जल्दी हो जाएगा रिवाइज़ I mean मैं इसे अपनी लैंग्वेज में करूँगा आई मीन इन हिंग्लिश जिसे इट विल बी इज़ी टू अंडरस्टैंड फॉर यू वाइज और किन्नी किन्हीं जगह पर मैं बुक्स से फुल ऑन जैसे लिखे हुए वर्ड्स हैं मैं उन्हीं को रिपीट करूँगा बिकॉज हमें लैंग्वेज की भी जरूरत होती है वेल वी आर राइटिंग बुक्स तो आप लोग के पास होगी आप उसे फॉलो कर लेना बट चीज़ को मैं नॉर्मली समझा दूंगा जितना मुझे समझ आता है और मिस्टेक्स के लिए आई एम जस्ट अ स्टूडेंट राइट नाउ तो उसके लिए फॉर गिव मी लेट्स नाउ तो हम लोग का टॉपिक है रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ अ प्रोफेशनल मैनेजर लेट्स टॉक अबाउट वट इज अ फर्म अ फर्म इज एन सोशल इंस्टीट्यूशन ओके इट डिपेंड्स अपॉन इट्स हार्मोनियस रिलेशनशिप विद वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी

अभी हम लोग कई बार क्या कहते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं लाइक सप्लायर्स डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर्स में जो डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर होता है ये आपकी प्रोडक्ट को आगे कस्टमर्स तक पहुँचाता है और उसके बीच की सीढ़ी होती है बल्कि जो सप्लायर होता है ये आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है सो विल डिस्कस इट लेटर अभी कंटिन्यू करते हैं द रिस्पांसिबिलिटीज टूवर्ड्स द यूनियन टूर्ड्स द गवर्नमेंट एंड आल्सो द सोसाइटी इट्स नाउ लेट स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट Uh, what are the responsibilities uh, of a manager towards his customer? So, these are the responsibilities. Hain. Like the manager must always remember that customer comes first. So, um, he must be able to understand the needs of a customer, right? And uh, the very first responsibility of a manager is towards his customer. Like, customer is God, right? So, three uh, main points I highlight ki here ki, uh, a manager ensures that the desired quality of product is given to his customer at a very reasonable price and that is easily available to his customer, right? ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अभी क्वालिटी की बात करते हैं सो द क्वालिटी मीनस डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल ये चीज़ भी अपने को मतलब शॉर्टेड होनी चाहिए माइंड में कि हर बंदे की अपनी अपनी एक व्यू होता है देखने का चीज़ को मापने का इन्होंने एग्जांपल भी दिया हुआ है लाइक प्रोफेशनल रेसिंग कार ड्राइवर का ज़्यादा एबिलिटी टू मतलब कि वो किसी भी कार uh, को इस तरीके से देखते हैं कि उसकी एक्सलरेट करने की स्पीड और uh, मतलब कि कितने कम टाइम में कितना ज़्यादा एक्सेलेट कर रही है सो so, um, जो प्रोफेशनल रेसिंग कार ड्राइवर्स है वो इस तरीके से क्वालिटी uh, मेज़र करते हैं उसी तरीके से एक दो एक्जाम्पल और दे देता हूँ जल्दी जल्दी में इसलिए because uh, it's not too less to read about अभी इन्हें सेकेंकड एग्जांपल दिया कि जैसे यूरोपियन कंट्रीज होगी अमेरिकन कंट्रीज होगी इन लोग की क्या होता है सेफ्टी बेल्स, एयर कंडीशन रेड्यूज सिस्टम रेड्यूज़ और ये जो चीज़ें भी है कापेटेड फ्लोर्स और क्लॉक्स uh, वगैरह ये इसको स्टैंडर्ड फीचर्स बोलते हैं बल्कि इन इंडिया लाइक कंट्रीज़ इधर ये सुपर लग्जरियस uh, उसमें क्वालिटीज़ um, में आती है सो इट्स अ डिफरेंट थिंग इन डिफरेंट कंट्रीज़ है ना अभी क्या बोलते हैं ये लोग कि मतलब uh, और भी एग्जाम्पल्स दिए इन्होंने लाइक ऑफ इंडिया में क्वालिटी बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी को किसी चीज़ की या उसकी लॉन्ग लाइफ बल्कि इन डेवलप कंट्रीज़ वो लोग क्या करते हैं वो फीचर्स के हिसाब से चेंज करते रहते हैं इवन उन लोग की जो यूज uh, प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो लोग की लाइफ होती भी नहीं है फुल ऑन यूज बट वो चेंज करते रहते हैं प्रोडक्ट्स को सो इट इज़ डिफरेंट टेस्ट ऑफ़ डिफरेंट पीपल एंड ऑल्सो अभी जो मैनेजर की रिस्पॉसिबिलिटीज़ है वो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ कस्टमर उसको क्वालिटी प्रोवाइड uh, करना और इसके साथ साथ अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी हज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिसाइड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफकोर्स और रीजनेबल प्राइस होना चाहिए ओके इन दोनों का जो एक रिलेशन है ना क्वालिटी और प्राइस का वो एक नॉर्मल बैलेंस होना चाहिए अभी एक और चीज़ बताई है इन्होंने इन दिस पैराग्राफ आई गेस यू कैन सी दिस सॉरी फॉर दिस वाइब्रेशन टेक फियर अभी क्या बोलते हैं कि प्रोडक्ट मैनुफैक्चर बाय रिपीटेड कंपनीज कैरी स्टिकर्स लाइक टेस्टेड ओके या फिर चेक फॉर क्वालिटी कंट्रोल तो इससे क्या होता है uh, जो अच्छी अच्छी कंपनीज होती है ना बड़ी बड़ी कंपनीज वो लोग अपने टेस्टेड ओके okay के स्टिकर्स भी चिपकाते हैं कि क्वालिटी चेक है इसकी उसी तरीके से क्या है अभी गवर्नमेंट बॉडीज ने भी uh, वो कर दिया है कि वो सर्टिफाइड uh, करते हैं कि आई एस आई मार्क जैसे अप्रूवल होता है सो so, इससे क्या होता है uh, ये सर्टिफिकेट से क्या होगा कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस बनता है उस प्रोडक्ट को लेके इंक्रीज़ होता है लाइक दे कैन रिलाय ऑन द प्रोडक्ट दैट या गवर्नमेंट ने इसको सर्टिफाई किया है सो द क्वालिटी विल भी गुड या मतलब उतनी नेगेटिव नहीं होगी सो so, इसके बाद अभी नेक्स्ट uh, थिंग जो डिस्कस हो रही है दैट इज़ रीज़नेबल प्राइस हो गया अभी आता है कि कुछ लोग क्या करते हैं सक्सेस गेन uh, करने के चक्कर में फॉल्स क्लेम कर देते हैं अनएथिकल एड्स दे देते हैं किसी भी चीज़ पे कि लाइक अब प्रोडक्ट इज दिस और uh, इतना वो कर लेते हैं मतलब कि फॉल्स um, एड दे, दे देना कुछ भी बोल देना वैसा नहीं होना चाहिए एक मैनेजर को क्या होता है अपने प्रोडक्ट को जेनुन uh, और रियल बेनिफिट्स uh, उसके बताने चाहिए अपने कस्टमर्स को ना कि फॉल्स ऐड देनी चाहिए uh, इसे कुछ टाइम के लिए में भी कंपनी प्रॉफिट कम अर्न करे बट क्या होता है कुछ टाइम बाद uh, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपकी कस्टमर्स पर सो दिस वॉज द वेरी फर्स्ट थिंग ना इ टॉक अबाउट द वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओ ओके वन मोर थिंग इन लोगों ने मैंने आपको तीन पॉइंट्स बताए थे क्वालिटी प्राइस एंड द थर्ड वन इज़ योर द एवेलेबिलिटी सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि uh, आपका जो प्रोडक्ट है वो डिले कर रहा है आपके कस्टमर्स तक पहुँचने में या फिर uh, जो आपके um, डीलर्स हैं वो लोग आगे कुछ खुद से प्राइस ऐड करके ना कर रहे हो जितना आपकी कंपनी ने डिसाइड किया है उतना ही पहुंचना चाहिए आपके कस्टमर्स तक और इसमें ऐसा भी नहीं होता कि जैसे कहीं देखा होगा आपने कुछ एग्जांपल uh, दिया है इन्होंने जैसे इफ़ योर प्रोडक्ट इज़ सो लूज़ आपने मतलब पैकेट्स वगैरह में देते हो ना जैसे पैक ऑफ फाइव होता है या पैक ऑफ टेन होता है उसको लूज़ ना बेच रहा हो कोई सो so, आपका जो डीलर होना चाहिए ना नेक्स्ट जो आपकी कस्टमर से डील कर रहा है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो चीट कर रहा है इससे आपके प्रोडक्ट की जो इमेज है वो भी नेगेटिव जाती है आपके कस्टमर्स uh, तक सो so, आपको उसका भी चेक करना है तो so, मैनेजर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि वो mm, ऐसे लोग के साथ डील ना करें और और और, और अभी करते हैं नेक्स्ट शेयर होल्डर्स की बात करते हैं शेयर होल्डर्स आपको पता है कि उन्होंने अपना पैसा लगाया होता है भाई तो उनकी भी एक बहुत बड़ा लाइक दे आर ओनिंग द कंपनी ओके सो इट्स लाइक द सोर्स मे बी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स बट ऑल दोज पीपल हु कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल टू अ फर्म दे आर द शेर होल्डर्स एंड द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर इज टू एंश्योर दट द सिक्योरिटी द सिक्योरिटी ऑफ शेयर होल्डर कैपिटल्स कि उन्होंने जो कैपिटल लगाइए उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए और उस पर आपको प्रॉफिट अर्न करके भी देना है मैनेजर मस्ट एन्श्योर दैट फर्म डज इंट बैंक करप्ट ओके और इट्स फेस विद द सिचुएशन वे द शेयर होल्डर्स कैपिटल इज एंडेंजर्ड सो इन अदर वर्स मैनेजर मस्ट एट लीस्ट एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ अ फर्म अभी क्या बोलता है ये कि mm, बाई वर्चू ऑफ अैपिटल इन्वेस्टमेंट योर फर्म शेयर होल्डर आर ओनर्स ऑफ योर फर्म लाइक ए सैट एज मैनेरजर यू हैव टू कीप दें रेगरली हाँ इसके बाद सेकेंड ज रिपॉसिटी फर्स्ट तो ये है कि आप उसको प्रॉपर्ली uh, mm, मतलब कि जो आपको उसने कैपिटल दी है वो डायरेक्टली डूबनी नहीं चाहिए आपको उस पर प्रॉफिट कमा के देना है तो फर्स्ट रिस्पॉसिबिलिटी तो आपकी है ये प्राइम रिस्पांसिबिलिटी उसके बाद की जो रिस्पांसिबिलिटी वो ये है कि आपको उसको इन्फॉर्म करना है जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजनस या कोई भी एक्टिविटी आपकी कंपनी में ली जा रही है वो चीज़ें उसके बाद उसको आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन uh, देनी है जो भी बैलेंस शीट है कंपनी की जो करेक्ट uh, स्टेटमेंट्स है uh, उसको मिसलीड नहीं करना है सो so ये कुछ आपकी रिस्पॉसिबिलिटीज़ है टुवर्ड्स योर शेयर होल्डर और उनको एनकरेज करना है उनसे क्वेश्चंस पूछना है इवन उनसे आइडियाज भी लेना है कि आप किस तरीके से चाहते हैं कि हम लोग इंप्रूवमेंट करें ये बहुत बेनिफिशियल होगा आपकी कंपनी के लिए सेल्फ अभी बात करते हैं रिस्पॉसिबिलिटीज टू वर्ड यू एम्प्लाइज सो एम्प्लॉइज का क्या सीन होता है अभी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं वो लोग का क्या है उनकी हार्ड वर्क और लॉयल्टी बहुत मैटर करती है आपकी कंपनी के लिए उसकी सक्सेस के लिए सो वट यू विल डू टू अर्न द एम्प्लॉज फेथ ओवर यू कंपनी यू विल प्रोवाइड दैम वेरियस इंश्योरेंस बोनस एंड एवरीथिंग यू विल गिव दैम अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड राइट सो क्या करेंगे आप उनको विद uh, उनके वेजिज़ के साथ साथ जो एक्स्ट्रा फंड्स प्रोवाइड करेंगे उनको एनकरेज करेंगे एक uh, um, हेल्दी एनवायरनमेंट बनाने के लिए कंपनी में और वो उसी तरीके से अपना ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे इस पर क्या है टाटा स्टील वालों ने कुछ लाइंस कही हैं तो आपको एज इट इज़ ही बता देता हूँ मैं व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ आर डिफिकल्टीज विद अव वर्क इन मैनी रिस्पेक्ट्स वी हैव ट्रीटेड अवर एम्प्लॉयज एक्सेप्शनली वेल आवर रेट्स ऑफ पे एंड बोनस आर वर्क एंड कंडीशन और सर्विसज द एकोमोडेशन एम्यूटीज एंड मेडिकल केयर वी हैव प्रोवाइडेड फॉर दैम

लो टू हायर कंपनीज़ होगी अकॉर्डिंग टू देर लेवल वो अपनी फैसिलिटीज़ uh, प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉज को जिसकी वजह से जो है एम्प्लॉयज़ का फेद होता है उनकी कंपनी पे और वो उसी तरीके से uh, अपनी एफिशिएंसी देते हैं काम करने में भी और जे आर डी टाटा लेमिन ने भी कुछ स्पीकिंग अबाउट द इपोर्टेंस ऑफ ह्यूमन लेवल पसन कॉन्टैक्ट विद एम्प्लॉयज़ सो इन्होंने क्या बोला है वन ऑफ द इन ड्रॉबैक्स ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री विद इट्स लार्ज एंड कंसनट्रेटेड लेबर फोर्स इज द डिफिकल्टी ऑफ मेटेन पर्सनल टच बिटवी मैनेजमेंट एंड सो फ्रेंडली uh, uh, एक बनना चाहिए एक रिलेशन uh, होना चाहिए जो आपकी कंपनी और उसके एम्प्लॉयज़ के बीच में है। फिर इसके बाद ऐसा ही नहीं है कि आप लोग सिर्फ उनको काम करते हुए uh, लाइक ये चीज़ें कॉपरेशन दे रहे हो इसमें आपको uh, मतलब ठीक है मान लिया कि कंपनी अट्रैक्ट कर रही है बाय गिविंग वेरीज फैसिलिटीज़ टू हिज़ एम्प्लॉयज़ और फंड्स uh, वगैरह प्रोवाइड कर रही है बट इसका मतलब यही नहीं है कि फैसिलिटीज़ तभी तक है जब वो उस कंपनी में लाइक यू आर गिविंग बोनस तो आपका काम चल रहा है जब ए, एक कंपनी को उसकी रिटायरमेंट के बाद भी जो आप उसको फंड्स प्रोवाइड कर रहे हो वो टाइमली मिल रहा है आप अपने मतलब एम्प्लॉय को चीट नहीं कर रहे हो किसी भी वे पे तो मतलब एक कंपनी सक्सेसफुल हो जाती है और मैनेजर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे अपने जो इस वक्त सिचुएटेड मतलब कि इस वक्त जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं और जो एम्प्लॉयज़ रिटायर हो चुके हैं उन दोनों का ख्याल रखना है सो इससे क्या होता है बॉन्ड बनता है उनके लेबर्स के बीच में of course ye bhi kanon hai the fact that we still have child labor bond labor work suffering from debilitating disease because of unhealthy and safe working environment speaks volume for a collective failure to discharge managerial responsibilities towards our employees so isse aapko ek idea to lag gaya hoga ki aapko exam mein kya likhna hai aur aapki kya responsibilities honi chahiye for your employees अभी बात करते हैं सप्लायर्स की Suppliers का क्या है ना Suppliers का मतलब ऐसा होता है कि आ, आ, आपकी इंडस्ट्री का और सप्लायर्स का टू वे वर्क चलता है मतलब कि दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे सप्लायर्स आपको प्रोवाइड uh, करेगा और आप सप्लायर से लोगे तो एक दूसरे पर दोनों डिपेंडेंट हैं अभी क्या है सप्लायर uh, आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा अभी आपकी क्या रिस्पांसिबिलिटीज़ हैं कि आप उसको टाइमली पेमेंट दें ठीक है ये मोस्टली इन्होंने ऐसे लिखा है बस लैंग्वेज uh, जो है ना वो बहुत मैटर करती है सो so, उसके लिए आपको एक बारी ऐसी रीड मार लेने का मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि मोस्टली uh, इसका निचोड़ क्या है इन्होंने लिखा हुआ इन्होंने काफी कंपनीज़ के एग्जाम्पल्स भी दिए हैं लाइक एस्कोट लिमिटेड और हीरो साइकिल्स दोनों एक दूसरे की uh, काफ़ी वो की है uh, मतलब ये उस तरीके से है जैसे नॉर्मल कंपनीज़ में क्या होता है वेंडर्स होते हैं हर कंपनी के तो आपको उनको uh, एक बॉन्ड uh, um, हो जाता है ना कि सप्लायर और एक कंपनी वend, आपकी वेंडर्स में और आपके बीच में आपको उनको टाइमली पेमेंट uh, देना है इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक्स वगैरह हो गए इसमें क्या होता है आपको उनको मतलब पेमेंट uh, ही नहीं करना है बट उनका जो इंटरेस्ट है वो भी पे करना है टाइमली सो so, um, एक मैनेजर की क्या ड्यूटी होती है कि उसको डिले नहीं करना है पेमेंट का uh, अपने सप्लायर को मतलब कि खुश रखना है बंदे को फुल ऑन और uh, क्या करना है अपने कंपनी पे एक लोड प्रेशर नहीं क्रिएट होने देना है ठीक है जो कि ऑपरेशन uh, की या ऑपरेटर्स की जो एफिजेंसी है उसको घटा देते तो ऐसा नहीं होने देना है उसको टाइमली सब कुछ डील करना होता है सप्लायर्स के साथ भी रिलेशन अच्छे होने चाहिए अच्छी क्वालिटी ताकि वो आपको प्रोवाइड करे ऑन टाइम करे और उसको जो है पेमेंट भी ऑन टाइम मिले नाउ ऑल टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटर एंड अभी क्या है डिस्ट्रीब्यूटर uh, रिटेलर्स का क्या है एक लिंक है बिटवीन द फर्म एंड द एक्चुअल कस्टमर सो जो कि प्रोडक्ट uh, को कंज्यूम करता है अभी क्या है आपका जो सप्लाई uh, होनी चाहिए वो टाइमली होनी चाहिए आपके डिस्ट्रीब्यूटर uh, तक ऐसा नहीं हो कि आप बीच में टाइमली दे रहे हो फिर बीच में गैप डाल रहे हो फिर बोल मतलब कि फॉल्सली लीड नहीं करना है आपको उनको uh, क्योंकि इससे क्या होता है जो आपके कस्टमर्स होते हैं ना या फिर आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स वो स्विच कर जाते हैं आपके प्रोडक्ट से आपके कंपटीटर के प्रोडक्ट पर सो so, इन्होंने फर्स्ट पैरा में तो यही लिखा है और इट्स नॉट रिस्पांसिबल भी और इट्स नॉट अ रिस्पांसिबल वे ऑफ डीलिंग विद योर डिस्ट्रीब्यूटर्स सेकंड थिंग इज कि आपको क्वालिटी मेंटेन करके रखनी है और इंश्योर करना है कि सेकंड uh, ग्रेड या इन्फीर क्वालिटी गुड शिप ना हो आपके डिस्ट्रीब्यूटर को ताकि कल को वोले आ रहे अब तो पहले सही 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 मान था, था अभी मिक्स करने लग गए लोग अब वो कर दिया सो so, इस चीज़ का भी रखना है प्राइस का इन्होंने कहा है कि uh, जो मोस्टली क्या होता है uh, जब आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को खुश नहीं करते ना प्राइस इससे कि उसको मुनाफा हो रहा है इतना मार्जिन रखा है आपने कि वो भी कुछ कमा ले आपको मतलब ऐसा रखना है पहले से डिसाइड करके कि उनको गुड मार्जिन मिले आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह सप्लायर्स आपके प्रोडक्ट को बेचने के बाद भी उनको सही मार्जिन मिले बिकॉज क्या होता है जो डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स हैं ना वो कस्टमर्स को आपका प्रोडक्ट वो लोग एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहे हैं सो so, सबसे पहले वो खुश होने चाहिए तब आपके कस्टमर्स तक आगे पहुँचते सो मोस्टली इन्होंने यही है कि प्रमोशन वगैरह भी वही लोग करते हैं फेस टू फेस जनरली आपकी कस्टमर्स से डील कर रहे हैं तो वही लोग कर रहे हैं सो उनको खुश रखना मतलब आपके कस्टमर्स को खुश रखना फर्स्ट थिंग इज़ ये इसमें बीच में आप खुद से भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हो नेक्स्ट थिंग कर लेते हैं हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स इंडस्ट्री एंड कंपटीशन अभी ये मेरे को सबसे बेस्ट पॉइंट लगा है बिकॉज हम लोग क्या था मोस्टली क्या करते हैं uh, हम लोग कंपटीटर्स को एज अ थ्रेट लेते हैं बट इन्होंने क्या कहा है कि व्हेन यू हैव टू बी लॉबी फॉर मतलब कि जब आप एक लॉबी में होते ना दो बीच कंपिटीटर्स हुआ जब एक लॉबी में होते होता ना तो आप एक इंडस्ट्री से uh, एक फर्म इंडिविजुअल फर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हो मतलब कि क्या है सपोज सब्जी वाला है एक मार्केट में सब्जी वाला बैठा है मैं खुद का एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको खुद का इन देंस खुद का बनाया हुआ अभी क्या मार्केट में सब्जी वाला बैठा है वैसे तो दोनों आमने सामने कम्पिटर है वो लोग उसके पास आएगा ए, ए सब्जी वाले पे आया तो बी वाला बोलेगा यार कस्टमर तो उधर जा रहे हैं मेरे पास भी आने चाहिए बट ऐसा नहीं है कि वो कम्पट्री है वो लोग क्या है वो एक एसोसिएशन से इन्वॉल्व रखते हैं तो मतलब कि वो एक फर्म को इंडिविजुअल सब्जी वाली फर्म को मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं समझ लो इसका बेनिफिट क्या है कि वो लोग रेट्स डिसाइड कर सकते हैं मार्केट प्राइसेस कैसे होने चाहिए उसके बाद वो क्या बोले को जैसे सॉरी जैसे मार्केट रेट्स वगैरह हो गए हैं ये मैं खुद का एग्जांपल दे रहा हूँ तो मेरे को क्रिएट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है uh, बाकी जैसे गवर्नमेंट uh, के कुछ वो लगता है उन उनपे um, मतलब कि कुछ भी चीज़ें उनको वो करनी है तो उनकी एक यूनियन बन जाती है उस टाइम पे समझ लो सो so, वो एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं so, मैं पढ़ के बता देता हूँ थोड़ा आपको अच्छे से समझ आएगा अदर फॉर्म्स विद इन द इंडस्ट्री आर योर कंपिटेटिव इन द मार्केट प्लेस बट आर यू एसोशिएट्स या दर्ड इज़ एसोशिएट्स वैन यू हैव टू लॉबी फॉर ऑल रिप्रजेंट इंडस्ट्री एंड नॉट एज इंडिविजुअल फॉर्म मोस्ट इंडस्ट्रीज हैवर ओन एजोशन लाइक लोकल लेवल पे होती है रीजनल नेशनल इंटरनेशनल पर कि इनकी एक तरह के होती है किसान हो गए तो पूरे इंडिया के किसान हो गए इसी तरीके से कुछ भी ले लो सब्जी वाला ही आ रहा है मेरे माइंड में तो जैसे गैस सिलेंडर्स वाले हो गए तो उनकी गैस सिलेंडर्स कहीं सप्ते हो गए पेट्रोल वे हो गए कोई भी इंडस्ट्री आप किसी भी चीज़ को प्लास्टिक इंडस्ट्री ले, ले लो चाहे आप डेली नीड्स कुछ भी अभी क्या बोलता है ये द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सच बॉडीज आर द आर टू प्रोटेक्ट एंड प्रोमोट द इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्री सी कंसेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट या दिस वाज द वर्ड कि आपको गवर्नमेंट से कुछ भी कंसेशन वगैरह लेना है या फिर रिप्रजेंट uh, करना है किसी भी चीज़ को किसी के सामने सो so, वहाँ पे आप एजोशियट्स होंगे तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम से बिल्कुल लड़ाई कर लो अगले बंदे से कि भाई तू नहीं, नहीं। आपको उसके साथ बना के भी रखनी होगी आप कहीं पे आपके म्यूचुअल डिसीजनस होंगे जो कि आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देंगे आगे जाके सो so, जैसे कोई भी मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी आती है उसको डिस्कस करना साथ में सो दस वर्ट दर सेट एज मैनेजर इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रजिस्टर योर फर्म एज मेंबर ऑफ इंडस्ट्री एसोसिएशन कोई आसपोर उसमें जैसे मैं बता रहा हूँ एसोसिएशन होगी उसके साथ रजिस्टर uh, कर देना uh, फिर वहाँ पे एक जेनुअन uh, इफार्मेशन जो है वो प्रोवाइड करना उन लोग को ठीक है कोई भी चीज़ का डिस्कशन हो उसमें अपने वॉलेंट्री रखना मतलब खुद ब खुद इन्वॉल्व होकर उनको बिलीव uh, दिलाना कि दट यू आर अ एथिकल पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी ठीक है सो so, इससे क्या हेल्दी कंपटीशन uh, होता है वो और परफॉर्मेंस uh, भी इंक्रीज़ होती है आपका मतलब साथ में ग्रो करने वाला फील होता है लाइक वी ऑल पीपल आर एक्चुअली थ्रेट्स टू ईच अदर व्हेन वी विल टॉक अबाउट द कंपटीशन बट व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ वी आर क्रिएटिंग अ हेल्दी कंपटीशन वी आर एक्चुअली लर्निंग फ्रॉम ईच अदर वी आर एक्चुअली नर्चरिंग ईच अदर वी आर एक्चुअली नर्चरिंग आवर सेल्फ विद दिस एनवायरमेंट सो इट्स अ हेल्दी एनवायरमेंट अभी करते हैं बात यूनियन uh, के प्रति क्या रिस्पॉसिबिलिटीज़ होती है अभी इन्होंने बोला है कि मोस्टली क्या होता है जब एक मैनेजर कंपनी में जाता है ना तो उसको यूनियन का पता लगता है कि यार यहाँ तो यूनियन बनी हुई है तो उसका मतलब नॉर्मली हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं ना तो वहाँ पे नेगेटिव वे में दिखाते हैं कि यार नया मैनेजर आया है वो पता नहीं कैसा होगा और यूनियन वालों से पंगे ले लेते हैं यूनियन का हेड होता है उसको मतलब बहुत नेगेटिव नेगेटिव सब दिखाते है बट इधर ऐसा नहीं होता है यार मोस्टली क्या होता है यूनियन बहुत पॉजिटिव uh, चीज़ है जो मतलब कि कुछ एक लाइन है जो मैं पढ़ के बताऊँगा बिकॉज मेरा एक्सप्रेस करने का इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छी इन्होंने बताया

एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है अभी एज अ रिस्पांसिबल मैनेजर यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द फैक्ट द मैनेजमेंट एंड द यूनियन हैव ग्रेट डिग्री ऑफ म्यूचुअल डिपेंडेंस एंड द यूनियन कैन नॉट फर्दर इट्स इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ फर्म इंटरेस्ट इन वेस्ट फिर इन्होंने कुछ इस तरीके से बताया कि ये एक कलेक्टिव स्ट्रेंथ है यूनियन का सो जो यहाँ पे कुछ भी चीज़ें होती है ना वो बिल्कुल करेक्ट इन्फॉमेशन के बेसिस पे चलती है चलनी चाहिए नॉर्मली ऐसा नहीं है कि मैनेजर बना रहा है सबका उसको क्या करना चाहिए कि यूनियन को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए जो भी आपकी बोर्ड uh, मीटिंग्स होती है ना मैनेजमेंट मीटिंग्स होती है उसमें आपको उनको भी अपने व्यूज़ रखने का मौका देखना देना चाहिए उनको उसका पार्ट बना दो सो दे विल एक्ट लाइक दे ओन दिस फॉर्म सो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एनकरेज करना पार्टिसिपेंट्स को ठीक है पॉजिटिव एटीट्यूड प्रोवाइड करना एक पॉजिटिव uh, एटमोसफियर करना क्रिएट फ्रैंक एक्सचेंज ऑफ व्यूज होने चाहिए मैनेजमेंट के बीच में ठीक है अभी इन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है जापान uh, की जो मत्सुशिता इलेक्ट्रिक कंपनी है सॉरी वी ऑफन टेक दिस लिटिल स्पीच टू पार्टिसिपेटिंग मैनेजमेंट डोंट थिंक आई रन दिस कंपनी ईच ऑफ यू हैज पार्ट टू प्ले इन इट इन इट्स मैनेजमेंट वी नीड दिस द आइडिया स्किल एंड नॉलेज ऑफ एवरी वन टू मेक अ रिवर्व ऑफ विजडम फॉर मोर एफिशियंट ऑपरेशन प्रोडक्ट बेटर प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी एंड इफेक्ट मैनेजमेंट वी हैव अ गुड फ्यूचर इफ वी कैन वर्क दट वी ठीक है तो मतलब इस तरीके से उन लोग को क्या मोटिवेट uh, करना है यूनियन वालों को ऐसा नहीं है कि आप उसको नेगेटिव ले रहे हो कि यार ये कहाँ से आगे ये 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 नहीं होनी चाहिए संगठन नहीं होनी चाहिए संगठन होने भी चाहिए बिकॉज तभी आपको पता लगेगा कि नॉर्मली उनकी डिमांड्स क्या है और ऐसा नहीं है कि आप उनकी डिमांड्स को डायरेक्टली मान रहे हो आपको उनके उनको अपने साथ इन्वॉल्व करना है ऐ फैमिली लाइक हमें करना है सबको जो भी करना है अभी क्या है आप लोग जित जो लोग भी से पढ़ रहे हो हमें साथ में करना है ऐसा नहीं है आप, मेरी जो भी प्रॉब्लम्स जो भी इशूज़ हैं वो आप लोग मुझे डायरेक्टली बताओ एज अ फ्रेंड दैट या यू कैन चेंज यू कैन डू सम चेंजेस हेयर ओके सो आई करेक्ट इट सो इसी तरीके से फ्रेंडली एक वो होना चाहिए आपका मतलब रिलेशन uh, होना चाहिए अपने यूनियन के साथ उन्हें भी सीट दो उन्हें भी बोलने का मौका दो तब जाके आपका एक पॉजिटिव uh, बोलते हैं ना अप्रोच लगता है किसी भी चीज़ को किसी भी मुद्दे को सॉल्व करना है अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है अभी बात करते हैं गवर्नमेंट की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है सो so, गवर्नमेंट के अंदर यही है कि आपको लीगल फ्रेमवर्क के अंदर काम करना है ठीक है उसके बाद जो भी उन्होंने कुछ वो दिए होते हैं लॉज या रेगुलेशन पास की होती है आपको उनको वायलेट नहीं करना है लाइक बच्चों को चाइल्ड लेबर नहीं करना है और जो भी होता है मतलब कि अपने जो लेबर्स है जितना भी इन्होंने दिया हुआ है लेबर्स उसके बाद वूमेंस वगैरह की जो रेगुलेशन है वो प्रॉपरली फॉलो होने चाहिए आ, उसके बाद जो बैलेंस शीट वगैरह है वो रजिस्ट्रा ऑफ कंपनी और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करने अगर वन मोर थिंग कि जो टैक्सेस वगैरह है ड्यूज़ हैं ड्यूटीज़ हैं वो टाइमली पे करनी है आपको गवर्नमेंट को तो इसी तरीके से कुछ ये चीज़ें हैं एक नज़र तो आपको माननी पड़ेगी बट नॉर्मली मैंने बता दिया क्या है अगर आप नजर भी नहीं मारोगे ना तो जितना मैंने स्टोरी क्रिएट कर दिया ना पे आप उससे भी कर सकते हो कंप्लीट अभी बात करते हैं सोसाइटी की तरफ क्या है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन शायद ज़्यादा टाइम ले रहा है अभी सोसाइटी की तरफ क्या है आपकी रिस्पॉन्सबिलिटीज़ सोसाइटी की तरफ कुछ इस तरीके से है कि आप जिस एरिया में आपकी कंपनी है मैं फर्स्ट लाइन पर लेता हूँ अपार्ट फ्रॉम द स्पेसिफिक सोसाइटी सेगमेंट्स विद द फर्म इंट्रैक्स इन द कोर्स ऑफ कंडक्टिंग इट्स बिजनेस मैनेजर आल्सो हैज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू इट्स हिस्ट सराउंडिंग्स एंड द पीपल लिविंग इन वाई सिटी विसिनिटी ऑफ हिज फैक्ट्री एंड ऑफिस जो उसकी सराउंडिंग एरिया में जो भी आपकी सोसाइटी है उसकी तरफ भी आपके कुछ आ, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इन क्या होता है मोस्टली कंपनीज क्या करती है हार्मफुल स्मोक वगैरह छोड़ देती है एयर में या फिर जो साथ में नदी होती है उसमें टॉक्सिक जो सोल्यूशंस है वो छोड़ देती है जिसका जो आपकी आम जनता है ना आपकी सोसाइटी में जो भी आ, लोग रह रहे हैं उन उनके बहुत नेगेटिव इम्पेक्ट पड़ता है ऐसा नहीं होना चाहिए इसके बिल्कुल अपोजिट क्या होना चाहिए कि अ ट्रूली रिस्पॉन्सिबल मैनेजर नॉट ओनली टेक्स स्पेट स्टेप्स टू प्रिवेंट और मिनिमाइज एनी नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ फर्म्स ऑपरेशन ऑन सोसाइटी बट आल्सो टेक द इनिशिएटिव इन प्लेइंग अ मो पॉजिटिव रोल टू सोसाइटी लाइक टाटा स्टील ने क्या किया दिय एट एजुकेटिंग पीपल अबाउट लिप्रोसी एडवर्टाइजिंग न्यूज पेपर्स एंड मैगजीस इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ द यूजफुल एंड कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर्म्स कैन प्ले इन क्रिएटिंग मू हाउ मनी सोसाइटी कई सारी फार्म हैं जिन्होंने uh, इस तरीके के फंड्स इकट्ठा करके अपने एम्प्लाइज से भी या फिर बहुत सारी ऐसी um, वो खोले हैं लाइक like, uh, कैलमिटीज़ में अर्थकोइ uh, फ्लड्स जैसे होते हैं इसमें हेल्प किया है लोगों को और काफ़ी uh, सारे स्कूल्स खोले हैं गरीब लोगों के लिए लाइक like इस टाइप से जिंदल ने जैसे पार्क खोला है यमुनानगर में सो दट इज फॉर द देट इज अ पॉजिटिव अप्रोच टू वर्ड्स सोसाइटी नो ए फर्म विच वॉन्ट्स टू मेटेन पॉजिटिव इमेज इन सोसाइटी मस्ट एज्यूम एंड डिस्चार्ज विद एटमोसेंसियरिटी इट्स सोशल रिस्पांसिबिलिटी गॉन आर द डीज वन फर्म्स कन्फाइन दैम से सोली टू रनिंग द बिजनेस विदआउट अ थॉट ऑफ फॉर द सोसाइटी इन विच दियर एक्जिटेड टू डे एवरी फर्म बिकॉज स्मॉल इज एक्सपेक्टेड टू मेक इ्स कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द इटायर सोसाइटी सो दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर इसमें चार पाँच टर्म्स की उन्होंने डिस्क्रिप्शन भी दी है वो भी मैं एक बार डिस्कस करता हूँ बिकॉज नॉलेज हर चीज़, चीज़? Balance sheet की होनी चाहिए बैलेंस शीट क्या है इट्स स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज फाइनेशियल पोजीन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट यूजली एट द एंड ऑफ फाइनेशियल ईयर पढ़ते हुए ही समझा जाता है क्या 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 चीज़ है बैंक क्रप्ट की बात की जाए तो बाई अ फर्म इज अनेबल टू पे इट्स क्रेडिटर्स एंड एसेट्स ऑफ द फर्म आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द क्रेडिटर्स कैपिटल की बात की जाए जो भी मनी गुड्स है सच एज बिग प्लांट्स मशीन्स बिल्डिंग्स वगैरह जो भी है uh, जो एक बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए वो कैपिटल है डिविडेंड होता है इस पर एक इंटरेस्ट पे करना होता है वो डिविडेंड हो गया वाई दिस बिजनेस फ्लक्चुएटिंग मैन लेविट फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनस की बात की जाए तो सबको पता है बैंक वगैरह स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या जो भी जैसे आप फंड इकट्ठे कर रहे हो फंड ले रहे हो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट रिव्यूज़ लिखना है यार मैं इसमें क्या चेंजेस करूँ अभी मुझे कभी पढ़ाना नहीं आता है और मैं नहीं चाहता कि आप लोग कुछ मेन पॉइंट्स इस चीज़ को मतलब मेरे बताने में कहीं कुछ गड़बड़ी हो और आप इस पूरे चीज़ को मतलब मुझे तो समझ आ गया और मेरे लिखने की जो कैपेबिलिटीज़ uh, है दे आर क्वाइट मच बेटर देन माई स्पीकिंग थिंग सो इसी वजह से मैंने कई जगह पे पूरी रीडिंग ली है जो कि आप खुद भी कर सकते हैं मैं नहीं चाहता था कि uh, कहीं मेरे बोलने में कुछ गलती हो और आप उस चीज़ को वैसे ना समझ पाओ द वे इट इज़ रिटन इन दिस बुक सो थैंक्स ऑल कमेंट करके बताना यार क्या चेंजेस करूं और गेट रेडी फॉर योर सेमिनार टू फॉर योर क्लास बाय बाय